पच्छाद की 30 से अधिक पंचायतों का एकमात्र सराहा का सिविल अस्पताल बदहाली के आंसू रो रहा है। पुरानी बिल्डिंग खस्ता हाल होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दशकों पहले बने इस इमारत में इसका छत का लेंटर जगह जगह से टूट चुका है, साथ ही इसकी दीवारें भी प्लास्टर छोड़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें कि सराहा का सिविल अस्पताल पच्छाद की 30 से ज्यादा पंचायतों का एकमात्र अस्पताल है, जिसके लिए करोड़ों की लागत से बहुमंजिला बिल्डिंग बनाई गई है, जहां पर कोविड अस्पताल चलाया जा रहा है। हालांकि हाल ही में एक दाखिल पेशेंट पर छत से प्लास्टर गिरने से एक बुजुर्ग महिला घायल होने के बाद उस वार्ड के पेशेंट को नई बिल्डिंग की एक मंजिल में शिफ्ट कर दिया गया, परंतु पुरानी बिल्डिंग में इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। साथ ही उसी बिल्डिंग में बीएमओ का ऑफिस होने के साथ साथ डिस्पेंसरी भी मौजूद है। हालांकि इस पुरानी बिल्डिंग से पेशेंट को हटा दिया गया है, परंतु यहां पर डॉक्टर व कर्मचारी साथ ही लोगों का जीवन बचाने वाली दवाइयां व अन्य सामान सेफ नहीं है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सराहा से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। पच्छाद की 30 से अधिक पंचायतों का एकमात्र सराहा का सिविल अस्पताल बदहाली के आंसू रो रहा है। पुरानी बिल्डिंग खस्ता हाल होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दशकों पहले बने इस इमारत में इसका छत का लेंटर जगह जगह से टूट चुका है, साथ ही इसकी दीवारें भी प्लास्टर छोड़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें कि सराहा का सिविल अस्पताल पच्छाद की 30 से ज्यादा पंचायतों का एकमात्र अस्पताल है, जिसके लिए करोड़ों की लागत से बहुमंजिला बिल्डिंग बनाई गई है, जहां पर कोविड अस्पताल चलाया जा रहा है। हालांकि हाल ही में एक दाखिल पेशेंट पर छत से प्लास्टर गिरने से एक बुजुर्ग महिला घायल होने के बाद उस वार्ड के पेशेंट को नई बिल्डिंग की एक मंजिल में शिफ्ट कर दिया गया, परंतु पुरानी बिल्डिंग में इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। साथ ही उसी बिल्डिंग में बीएमओ का ऑफिस होने के साथ साथ डिस्पेंसरी भी मौजूद है। हालांकि इस पुरानी बिल्डिंग से पेशेंट को हटा दिया गया है, परंतु यहां पर डॉक्टर व कर्मचारी साथ ही लोगों का जीवन बचाने वाली दवाइयां व अन्य सामान सेफ नहीं है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सराहा से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। सत्ता के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं। मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइव टाइम्स टीवी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।